ट्रेजर डेस्क। सभी मोबाइल यूजर्स को अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को 6 फरवरी 2018 तक लिंक करना जरूरी है। टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो, आइडिया 1 दिसंबर से वन टाइम पासवर्ड OTP के जरिए आधार वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू करने जा रही हैं। हम बता रहे हैं इस प्रोसेस को करने का तरीका। पिछले हफ्ते यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI OTP के जरिए वेरिफिकेशन की प्रोसेस को अप्रूव कर चुका है। अब नहीं जाना होगा रिटेल स्टोर में। किसी भी यूजर को अब अपने मोबाइल नंबर से आधार नंबर लिंक करवाने के लिए टेलीकॉम रिटेल स्टोर में नहीं जाना होगा। अब यूजर को UIDAI से OTP मिलेगा। इसके जरिए घर से ही यूजर वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कर सकेगा, लेकिन ऐसा वही यूजर कर पाएंगे जिनका मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे होगा? यदि आपको मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको आधार कार्ड के सेंटर में जाना होगा। वहां अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड करवाना होगा। आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक करवाना अब सभी यूजर्स के लिए अनिवार्य है। मार्च में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट ने इस संबंध में ऑर्डर जारी किया था। सटेपेक, आप जिस टेलीकॉम ऑपरेटर की एयरटेल, वोडाफोन, जियो सिम यूज कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर जिस मोबाइल नंबर को आधार लिंक कराना चाहते हैं उसे एंटर करें। OTP के जरिए कैसे होगा वेरिफिकेशन? देखिए,